बताइए शरीर भी बहुत सारे मानक दे रखे हैं। एक बार फिर से बोलिए और धीरे तो बोला करिए ठहर करके ताकि आपका क्वेश्चन मुझ तक पहुंच जाए। बोलिए सर, ये जो मानक दे रखे हैं इसमें ईयर वाइज याद करना है ना? इसमें ईयर वाइज ये जो हाँ, ईयर वाइज अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। इसमें आप ये याद करिए बेसिकली कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कौन सी बात कही गई है, यानी कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बात को डील करता है, वो किससे संबंधित है, किस साल में वो आया था। अगर आप उसे नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो पूछा नहीं जाता है बेसिकली। अगर याद कर सकें सो फार सो गुड, लेकिन वो ज्यादा नहीं पूछा जाता। मेन कंसर्न होता है इस बात का कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है, तो उसे आपको अच्छे से समझना है। और उसे आप रटने की जगह कोशिश करिए कि आप दो तीन चार बार पढ़िए केवल। और मैंने आपसे कहा था चार्ट बनाने को, किसी ने बनाया आप में से? कोई ऐसा है जिसने चार्ट बनाया हो? कोई ऐसा है जिसका इरादा है चार्ट बनाने का? किसी को लगता है yes, कि वो, किस किस को लगता है कि वो चार्ट बनाएगा आज? हाथ उठाएं जिस yes. जिसको yes, okay, दिव्या को नहीं लगता कि वो चार्ट बनाएंगी? दिव्या सुन सकते हो आप मुझे? yes, sir. आपको नहीं लगता कि आपको चार्ट बनाना है, या आपको ये पता नहीं कि किस चार्ट की बात चल रही? सर पता है तो आपने हाथ नहीं उठाया। आपको चार्ट नहीं बनाना है? सर बना लिया है। बना लिया है, दिखाइए कहाँ पर है वो चार्ट। अगर घर की किसी दीवार पे या कहीं पे भी लगा लिया है बना करके, तो आप उसको वहां पे जरा कैमरा कीजिए, रियर कैमरा ऑन कर लीजिए और दिखाइए कि आपने कहाँ पे उसे लगा लिया सर, है। कॉपी पे बनाया था। अच्छा, कॉपी पे ही दिखाइए। चलिए जो आपका कैमरा है बैक कैमरा ऑन कर सकते हैं, या चाहे तो फ्रंट को ही मोबाइल को पलट लीजिए कॉपी पे, चाहे बैक कैमरा ऑन कर लीजिए। शो योर चार्ट। दिखा नहीं बेटा, फिर से दिखाइए, उसी पर फोकस करिए ताकि बच्चे भी देख पाए। और किसी ने बनाया है दिव्या के अलावा? देखिए, अगर आप फॉलो नहीं करोगे वो जो आपको कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप वो नहीं सीख सकोगे जो आप सीखने के लिए क्लास में आते हो। दिव्या थोड़ा सा फोकस करिए कॉपी पर, बिल्कुल ऊपर ले जाइए, या तो कॉपी को सीधा कर लीजिए। चार्ट कहाँ बना हुआ है? अच्छा, ये आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थोड़ा सा और पास में लाइए मोबाइल को, कैमरे को। ओके, चलिए, अभी ये विजिबल तो मुझे नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छे से इसे नहीं देख पा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। फिर भी आपने जो भी बनाया है होपफुली कि आप इसे चार्ट पर भी बनाएंगे, ठीक है। एक चार्ट पेपर लीजिए और मोटे अक्षरों में स्केच पेन से आप इसको जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं फ्रॉम 1 to 32 आप उन्हें लिख डालिए और दीवार पे कहीं पे लगा लीजिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आपके अंग्रेजी के टीचर्स ने आपको कहा होगा कि आप जो है जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं उनका एक चार्ट बना लीजिए, जितने भी टेंसेस होते हैं उनका बना लीजिए, एक्टिव पैसिव वाइज का बना लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो फार्मूला होते हैं उनका बनाने के लिए शायद कहा होगा। अगर नहीं कहा है तो आप स्वयं से बना सकते हैं। वैसे ही अकाउंटेंसी में आपको कुछ चार्ट, लगभग मान के चलिए कि आपको 4 या 5 चार्ट बनाने रहेंगे जो आपको अपने घर पे लगाने होंगे, अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए, कहीं पे भी लगा लीजिए अपनी घर की दीवारों पे, और अच्छा सा सजाइए उसे
कि वो पेंटिंग जैसा लगे, डेकोरेटेड लगे, अच्छा सा लगे। दिव्या ने कॉपी पे बनाया, अच्छी कोशिश की है, लेकिन उसको आपको चार्ट पे भी बनाना रहेगा, ठीक है। चलिए, अभी आपने ये जो चैप्टर पढ़ा है, इसे पढ़ने के दौरान आपको अगर कोई चीज ऐसी लगती है जो आपको पूछनी है, कुछ बातें तो मैंने कल डिस्कस कर दी थी, लेकिन कुछ बातें मैंने कल लाइव क्लास में डिस्कस अभी तक नहीं की है, वीडियोज में बताई हुई है। वीडियोज देखना सबसे पहली जरूरत है, और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि सारे बच्चों ने वीडियोज नहीं देखे हैं हमारी क्लास के। अब उनमें से आप लोग कितने हैं ये मुझे नहीं पता। आप लोगों ने होपफुली, क्योंकि आप इतना सीरियस लगते हैं कि ऐसा शायद ही हो कि आप वीडियो ना देखा हो, उम्मीद है आपने देखा होगा। उन वीडियोज को आपको फिर से देखने की जरूरत थी, बार बार देखने की जरूरत थी, तभी आप टॉपिक्स को समझ सकते हैं। खैर, आपने देखा, समझा, पढ़ा, उसके बाद अगर आपके कोई डाउट है किसी टॉपिक पे तो प्लीज बताइए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप इसे भी देख पाए, और अब आप अपने क्वेश्चंस इसमें से पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। यस, बताएं, कुछ पूछना रह गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि इनका क्या महत्व है, फिर भारतीय लेखांकन प्रमाण बोर्ड क्या है, इस टॉपिक को समझ पाए। ये तो सिंपल सी सूचना है कि भारत में लेखांकन प्रमाप के लिए बोर्ड बना दिया गया 21 अप्रैल 1977 को, ठीक है ना। इसका काम क्या था, सरकारी, औद्योगिक और अन्य संगठन जो है उनके प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए, मीटिंग करे, विचार विमर्श करे, और यह तय करे कि किन किन क्षेत्रों में लेखांकन प्रमाप तय किए जाने। किन किन क्षेत्र का मतलब अकाउंटिंग के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पे लेखांकन प्रमाप तय किया जाए। जैसे इन्होंने आप देख रहे हैं नीचे 1 से लेके 32 तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये कुछ 32 क्षेत्र केवल चुने गए। और ऐसे तो लेखांकन हम हजारों जो है क्षेत्र में करते हैं, मतलब हजारों तरह के ट्रांजेक्शन हैं, तो जहां जहां कुछ कंफ्यूजन हो सकता था, जहां जहां लगता था कि यहाँ पर अकाउंटेंट गड़बड़ कर सकते हैं, यानी कि वह हो सकता है कि एक जैसा ट्रीटमेंट ना करें इन ट्रांजेक्शन का, वहां वहां डिस्कशन के बाद चीजें एक्सप्लेन कर दी गई, पहले से बता दी गई, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहलाए। तो आपने ये जाना कि जो लेखांकन प्रमाप है ये सरकारी, औद्योगिक और अन्य संगठन जो है उनके प्रतिनिधियों से बात करता है, और ये तय करता है कि कौन कौन से क्षेत्र है अकाउंटिंग के जिनके लिए प्रमाप बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। लेखांकन प्रमाप बनाने की प्रक्रिया क्या है वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहली प्रक्रिया है कि लेखांकन प्रमाप बोर्ड सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहाँ के लिए प्रमाप तैयार किए जाने हैं। ये कहाँ से तय होगा, ये जो अलग अलग प्रतिनिधि आएंगे रिप्रेजेंटेटिव, उनसे डिस्कशन करके उसके बाद में ये तय किया जाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। पहले पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन? दूसरे पॉइंट में है लेखांकन प्रमाप बोर्ड प्रस्तावित मानक तैयार करेगा, जो आपने पहले पॉइंट में तय कर लिया कि इन इन क्षेत्र में हम मानक बनाएंगे, तो फिर वो लेखांकन प्रमाप बोर्ड जो है इसका काम ही है कि ये मानक बनाए, तो ये मानक तैयार करेगा। फिर जो सरकारी प्रतिनिधि हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनके सामने ये मानक जो है ये प्रस्तुत किए जाते हैं और उन पर उनके विचार आमंत्रित किए जाते हैं। ये किसी भी कानून के बनने की प्रक्रिया जैसा है, जैसे कोई कानून बनता है तो पहले जनता से और जनता में जो विभिन्न एक्सपर्ट हैं उनसे राय मांगी जाती है। शायद आपको ध्यान में आया हो कि जब नई शिक्षा नीति लागू होनी थी तो उसके पहले करीबन 4-5 साल तक ये प्रक्रिया चली है, शिक्षाविदों से, विद्यार्थियों से, अभिभावकों से सबसे राय मांगी गई थी सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर भी है कि सरकार ने एक ड्राफ्ट पहले तैयार कर लिया था, फिर वह लोगों के सामने उन्होंने उस ड्राफ्ट को रिलीज कर दिया था। ड्राफ्ट का मतलब है कि कानून आने से पहले जो उसका मसौदा होता है, बिल जो होता है, उसे ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, बिल भी कहते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। लेकिन अभी आप ज्यादा पॉलिटिकल साइंस में मत जाइए कि ड्राफ्ट में और बिल में क्या डिफरेंस है। अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि, चलिए मैं बता ही देता हूँ, जब बात आ गई है, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लिया हमने अभी केवल कोई चीज तैयार की, जान लीजिए कोई चीज अगर आ गई है डिस्कशन में तो समझ में आना चाहिए आपको कि ड्राफ्ट किसी चीज को हम कब बोलते हैं और बिल कब बोलते हैं और कानून कब हो जाता है। जैसे सरकार ने कोई कानून का एक अभी
एक किताब तैयार की है केवल, किताब अभी, किताब का मतलब है एक मैटर तैयार किया है, कई सारे पेजेस हैं, एक फाइल है, तो उसे अभी ड्राफ्ट कहा जाएगा। जैसे ही वह ड्राफ्ट जो है वह संसद भवन में प्रस्तुत किया जाएगा लोगों के डिस्कशन के लिए, लोगों के सुझावों के लिए, आपत्तियों के लिए, तो उसको बिल कहा जाएगा। और जब उसे जिस भी प्रक्रिया से पास होना है, जब वो पास हो जाएगा तो वही एक्ट हो जाएगा, ठीक है, अधिनियम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ऐसे ही अभी पहले लोगों से डिस्कशन किया गया कि क्षेत्र कौन कौन से हैं, फिर आपने वह ड्राफ्ट तैयार कर लिया पॉइंट नंबर टू में। पॉइंट नंबर थ्री में आप लोगों के सामने उस उन मानकों के ड्राफ्ट को प्रस्तुत करते हैं, और वही लोग फिर से जिन्होंने कहा था कि इन क्षेत्र में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनने हैं, वह अपने विचार उस पर देते हैं। विचार विमर्श होने के पश्चात अगर कोई संशोधन होना होता है तो संशोधन करने के पश्चात पॉइंट नंबर चार, विचार विमर्श करने के पश्चात प्रस्तावित मानक तैयार किए जाते हैं। फिर आप जो है वह मानक तैयार करते हैं जो कि प्रस्तावित होते हैं, यानी कि अब इन्हें आप प्रस्तुत कर सकते हैं कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट के काउंसिल को आप ये प्रस्ताव दे सकते हैं। तो काउंसिल कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनकी एक परिषद है। उस परिषद को जो लेखांकन प्रमाप बोर्ड है वह अपने ड्राफ्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के होंगे वह सौंपेगा, ठीक। फिर उसके बाद में वह परिषद जो है उनको, क्योंकि डिस्कशन पूरा हो चुका है तो उन जो ड्राफ्ट होंगे उनको परिषद जो है वह पब्लिश कर देगी और लोगों को बता देगी कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू हुए हैं, ठीक है। या मान लिया अभी तक 32 थे, उन्हें अगर 33वां कोई लागू करना है तो वो तुरंत उसे पब्लिश कर देंगे और एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि सारे अकाउंटेंट्स को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अब से ऑडिटिंग करने के दौरान संज्ञान में रखना है, ठीक। क्या ये प्रक्रिया समझ में आई सभी लोगों को? यही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये बताए गए हैं। तो इसमें बच्चों अभी बहुत कुछ बताने जैसा नहीं है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन किस बारे में बात करता है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। टॉपिक्स अलग अलग हैं, अभी ये टॉपिक्स आपने चूंकि पढ़े नहीं है तो आपको ये बहुत अच्छे से ऐसे शॉर्ट में बताने से पूरी तरह से याद तो नहीं होंगे, लेकिन अभी आप इन्हें लिख लीजिए कहीं और प्रतिदिन आप इन्हें रिवाइज करते रहे, देखते रहे, खाली चार्ट पे लिख लीजिए। जैसे जैसे आप ये टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, और प्रतिदिन आप इन्हें देखते जाएंगे तो आपको वैसे वैसे ये याद होते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें से लगता है कि कोई चीज आप पूछना चाहते हैं कि ये चीज क्या होती है, तो मैं आपको संक्षेप रूप से बता सकता हूँ। अगर आप में से कोई भी किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ पूछना चाहता है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है, पूछे। सबसे पहले 1-8 दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे, इनसे संबंधित आप में से किसी को कोई डाउट है? देखिए ये टॉपिक्स अलग अलग हैं, अभी इन टॉपिक से आप परिचित नहीं है, फिर भी कोई शब्द आपके सामने अगर नया है तो वो शब्द आप पूछ लीजिए, ये जरूर, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी बच्चा यहाँ जो क्लास में जुड़ा हुआ है, अगर कोई टर्म आपके लिए नया हो तो आपको वो जरूर पूछ लेना है और उसकी मीनिंग लिख लेनी है यही किताब पे पेंसिल से, या आप अपनी किसी अन्य कॉपी पे डायरी बना लीजिए जहाँ पे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हेडिंग डाल लीजिए और जो भी शब्द हैं, शब्द उनकी अंग्रेजी, ठीक है, उनका उच्चारण, शब्द उच्चारण अर्थ ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। शब्द उच्चारण अर्थ व्याख्या, अर्थ और व्याख्या एक ही चीज है, और आप लिखते चले जाइए। ये भी एक अच्छा तरीका है अकाउंटिंग को सीखने का या किसी भी विषय में इंटरेस्ट जगाने का, एक डायरी अगर आप बना सकें इस तरह की तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। डायरी में क्या करेंगे, कोई भी शब्द नया सा आए वो लिख लें, उसका उच्चारण, क्योंकि शब्द जो होगा उसकी अंग्रेजी कोई होगी तो अंग्रेजी उसी की वहीं पे लिख ले, उसका उच्चारण लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर उच्चारण ना लिखना चाहें इतना तो अब आपको आता है, तो आप शब्द लिख लीजिए, फिर उसकी अंग्रेजी लिख लीजिए, फिर उसकी व्याख्या लिख लीजिए, तीन हेडिंग डाल लीजिए, तीन कॉलम बना लीजिए, शब्द, अंग्रेजी या इंग्लिश और उसकी व्याख्या या एक्सप्लेनेशन कि ये क्या है, इंटरप्रिटेशन, ओके। तो इस तरह से लिखते चले, बताइए AS1 से लेके AS8 में किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। AS9 से लेकर के AS32 तक सर, AS19 के बारे में बता दीजिए। AS19 है पट्टों के लिए लेखांकन। पट्टा का मतलब होता है जब आप लंबे समय के लिए कोई महंगी संपत्ति,
जैसे जमीन है या कोई बड़ी मशीन है उसको आप किराए के लिए लेते हैं 10 साल के लिए 20 साल के लिए, तो आप एक भारी भरकम रकम उससे चुकाते हैं और 10 साल 20 साल 15 साल का आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 15 साल 20 साल की जो भी अवधि है वो बीत जाने के बाद वह संपत्ति फिर से उस व्यक्ति की हो जाती है जिससे आपने किराए पर ली थी, जिसको पट्टा बोलते हैं अंग्रेजी में, इसी को लीज कहा जाता है, LEASE लिख लीजिए, पट्टा यानी लीज। तो पट्टों के लिए लेखांकन कैसे करेंगे? अगर आपने कोई संपत्ति पट्टे पर ली है या दी है तो आप उसके लिए लेखांकन कैसे करेंगे? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बताता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, और कोई 32 तक? सर एएस कौन से बोलो बेटा? Yes. 26 बता दीजिए। 26 और 21। Yes, sir. 21 है समेकित वित्तीय विवरण। समेकित का मतलब होता है कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हैं कि जब कभी भी बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट का मतलब होता है एक ऐसी शीट, एक कागज ले लीजिए, उस पे एक तरफ कंपनी के लाइबिलिटीज होंगे और दूसरी तरफ कंपनी की असेट्स होंगे। तो कंसोलिडेटेड, अगर ये तो सिंपल हो गए कि इस साल की हमने असेट्स लिख ली, इस साल की हमने लाइबिलिटीज लिख ली, लेकिन जब हम इसी में पिछले साल की भी असेट्स और लाइबिलिटीज कितनी थी वो भी लिख लेते हैं, इस साल की भी लिख लेते हैं और इससे पहले की अगर हम लिख लेते हैं तो उसे कंसोलिडेटेड कहा जाता है। ये बेसिकली तब होता है जब आप इंटर कंपनी कंपैरिजन करना चाहते हो, इंट्रा कंपनी सॉरी कंपनी का ही इस साल के परफॉर्मेंस का पिछले साल से कंपैरिजन अगर करना चाहते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी होती है और उसकी कुछ सहायक कंपनियां हैं, जैसे मान लिया ए कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है और उसकी कुछ सब्सिडरी कंपनीज हैं सहायक कंपनियां। सहायक कंपनी वह होती है जिसकी 51% कम से कम कैपिटल वह कंपनी होल्ड करेगी, यानी कि 51% शेयर उस कंपनी के पास होंगे जिसे उसकी होल्डिंग कंपनी कहा जा सकेगा। अगर ए कंपनी के पास बी कंपनी के 51% शेयर है तो ए कंपनी बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी होगी। ठीक, अब ए कंपनी की जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें न सिर्फ ए कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटीज होंगे बल्कि बी कंपनी की भी असेट्स और लाइबिलिटीज उसकी बैलेंस शीट में दिखाए जाने होंगे। इसे कैसे दिखाया जाएगा ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। ये सर नो, अभी ये टेंशन ना लीजिए कि कैसे दिखाते हैं, अभी केवल ये जानिए कि इसमें क्या करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, कोई बता सकता है? मैंने अभी आपको AS 21 के बारे में क्या बताया? अपनी भाषा में बताइए, जितना याद रहा उतना बताइए, टेंशन मत लीजिए, गलत हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी आपने बिल्कुल जस्ट जस्ट सुना है, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको एज इट इज याद हो गया हो या सुनने में आ गया हो, लेकिन जितना सुन पाए जितना समझ पाए तो देखिए कि कौन ज्यादा सुन पाया और कौन सुनने के बाद बोल भी पाता है। यस प्लीज गो अहेड। AS 21 क्या है? सर एक मिनट, मिताली रुक जाएंगी, दूसरा बोलेगा जो बोल रहा था। सर माना कोई ए कंपनी है और एक कोई बी कंपनी है, तो बी कंपनी का जो 51% शेयर्स जो होंगे वो ए कंपनी के पास अगर हैं, तो अगर जब ए कंपनी अपने असेट्स लिखेगी तो उसमें वो 51% भी लिखेगी जो बी कंपनी के हैं। ए कंपनी जब अपने बैलेंस शीट तैयार करेगी तो उसमें वह बी कंपनी की असेट्स और लायबिलिटीज को अपनी असेट्स और लायबिलिटीज के साथ ही शो करेगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं समेकित। हमने समेकित मतलब सम्मिलित कर लिया अपनी सब्सिडरी कंपनी की जो डिटेल्स हैं उनको, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो मिताली को शायद ये बात बोलनी आ रही थी, पहले ही बोल सकती थी मुझे लगा, इन्होंने शायद AS 26 पूछा था मिताली। यस 26 ना? नो पूछा था 21 भी और 26 है। अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्तियां जान लीजिए कौन सी होती हैं, वह संपत्तियां जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो सारी संपत्तियां अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। अंग्रेजी में इनके लिए टर्म आता है इनटेंजिबल, INTANGIBLE, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल
अमूर्त संपत्तियां वह संपत्तियां हैं जो बेसिकली बिजनेस में काम वही करती हैं जो अन्य संपत्तियां करती हैं, जैसे मशीन करेगी, भवन करेगी। तो इनके उदाहरण जान लीजिए, इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण आता है ख्याति का, गुडविल का। ठीक है, गुडविल देखी नहीं जा सकती। गुडविल मतलब गुड नेम, फेम, पॉपुलैरिटी ऑफ एनी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू। अगर किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू, जैसे मान लेते हैं कि हम बात करते हैं एप्पल, एप्पल के आईफोन की, तो इट हैज अ वेरी गुड ब्रांड वैल्यू, तो इसकी गुडविल अच्छी है, इसका गुड नेम अच्छा है, पॉपुलैरिटी अच्छी है। अन्य एंड्रॉइड फोन में अगर हम बात करें, सैमसंग की अच्छी गुडविल है। तो ये गुडविल जो है ये बेसिकली उस कंपनी को ज्यादा अर्निंग करने में मदद करती है। इसको ये भी कहा जाता है कि गुडविल एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है किसी भी बिजनेस की। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट इन द सिमिलर इंडस्ट्री। एक सिमिलर इंडस्ट्री में अगर बाकी सारे लोग 15% कमा रहे हैं और आपकी कंपनी मान लेते हैं 20% कमा रही है, तो दिस 5% विल गो टू द अकाउंट ऑफ गुडविल। मतलब ये गुडविल के खाते में माना जाएगा कि गुडविल की वजह से आप 5% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं। तो अभी जो गुडविल है, या गुडविल के अलावा भी कुछ और होते हैं संपत्तियां, उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं उदाहरण केवल दे देता हूँ। जैसे पेटेंट होते हैं, पेटेंट का मतलब है कि कोई आपने दवा बना ली और उसका फार्मूला आपने रजिस्टर करा लिया गवर्नमेंट के पास, तो उसको पेटेंट कराना बोलते हैं। तो वो पेटेंट कराने की वजह से केवल आप ही वो दवा बना पाएंगे, कोई दूसरा नहीं बना पाएगा। और अगर कोई दूसरा बनाएगा तो आपकी परमिशन से बनाएगा, आपकी परमिशन से बनाएगा तो आपको रॉयल्टी देगा, उससे आपकी अर्निंग होगी। तो पेटेंट भी देखा नहीं जा सकता कि आपका पेटेंट है। हाँ, उसका एक सर्टिफिकेट सरकार आपको देती है, बट सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट, नॉट द पेटेंट इटसेल्फ। जैसे हम आपसे बोलें कि आपने इंटर कर लिया, तो आप कहेंगे हाँ कर लिया, अभी नहीं किया। मान लिया टेंथ कहा जाए तो आप कहेंगे कि हाँ टेंथ कर लिया, तो आप कहेंगे कि हम कहेंगे टेंथ दिखाओ कहाँ है तुम्हारा, तो आप अपना टेंथ का सर्टिफिकेट लेके आओ, तो हम कहेंगे दिस इज ओनली द सर्टिफिकेट, दिस इज नॉट योर टेंथ। ठीक है ना, तो ऐसे ही पेटेंट का सर्टिफिकेट हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी पेटेंट इटसेल्फ, राइट। जैसे शेयर जो है, शेयर का सर्टिफिकेट अलग है, शेयर अलग चीज है, शेयर कैन नॉट बी सीन, शेयर अलग है, शेयर सर्टिफिकेट अलग है। तो खैर, मैं आपको बोल रहा था ऐसी ही सारी संपत्तियां जिन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वो सारी संपत्तियां अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। अकाउंटिंग में अकाउंटेंट उनका लेखा कैसे करेंगे डिटेल में बताता है AS 26। बात समझ में आई? अभी आप केवल अमूर्त संपत्ति आपने मुझसे सुना, अमूर्त संपत्ति क्या होती है, एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया। बाकी इतना जान लीजिए कि AS 26 गुडविल की, पेटेंट की, लाइसेंस अगर आपने कोई ले लिया है, अगर कोई आपका ब्रांड है, ब्रांड समझते हो जैसे कोई लोगो, कोई टेक्स्ट, कोई मिली जुली कोई आकृति, जैसे पेप्सी का, कोका कोला का एक अपना लोगो है, आईफोन का आधा कटा हुआ सेब, एप्पल है ना, वो उसका लोगो है। तो इस लोगो को कोई और यूज नहीं कर सकता, ये इसकी अमूर्त संपत्ति कहलाती है। ठीक है बच्चों, 21-26 के अलावा और कोई AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें कोई डाउट है? इसमें जितने भी टर्म आते हैं, ये सारे टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आप पूछ नहीं रहे हैं, मैं किसी से भी अभी पूछूंगा जितने बच्चे यहाँ उपस्थित है। सर AS 23 भी बता दीजिए। AS 23 में लिखा है समेकित वित्तीय विवरण में सहचरों में निवेश के लिए लेखांकन। इसका मतलब यह है कि जो आप समेकित वित्तीय विवरण AS 21 में बना रहे थे, उनमें सहचरों में निवेश के लिए लेखांकन, इसका मतलब यह है कि आपने जो सहचर का मतलब है आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है, बी कंपनी, आप ए हैं और आपकी बी कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी थी, उसमें जो आपने पैसा लगाया है, जैसे जितने आपने उसमें शेयर खरीद रखे हैं, बॉन्ड खरीदे हैं उसके, या उनको आपने लोन दिया है, जो भी है, मतलब शेयर आपने खरीदे तो शेयर में मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर जो भी है, तो उनका लेखांकन आप कैसे करेंगे, ये AS 23 बताएगा। ठीक है, जो आपने उसमें पैसा लगाया है उसका ब्यौरा आप कैसे देंगे अकाउंटिंग बुक्स में, दैट इज टू बी डेल्ट विद AS 23। और कोई क्वेश्चन किसी का? टर्म सारे देख लीजिए बच्चों, इसमें मैं पूछने वाला हूँ अभी आप में से, अगर आप चुप रहे। सर AS 27 बता दीजिए। AS 27 है संयुक्त उद्यम में रुचि के वित्तीय प्रतिवेदन।
सबसे पहले संयुक्त उद्यम जान लीजिए, जैसे कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत रिस्क है या बहुत पैसा लगना है। मान लेते हैं कि कोई बड़ा बांध बनना है, डैम बनना है, या कोई बहुत बड़ी सड़क बननी है, तो ये सड़क में तो हजारों करोड़ रुपए लग जाते हैं सड़कों में, सड़कों के निर्माण में, तो उतना कोई एक कंपनी लगा नहीं सकती, और लगा भी अगर सकती हो तो उतना रिस्क वो अकेले लेना नहीं चाहती, तो दो या तीन कंपनियां एक साथ मिल जाते हैं और उस केवल उसी प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि वो एक तरह से अस्थाई पार्टनरशिप में आते हैं, अस्थाई पार्टनर बन जाते हैं कंपनियां, बड़ी कंपनियां, इनको हम ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, संयुक्त उद्यम बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। तो संयुक्त उद्यम में रुचि के वित्तीय प्रतिवेदन, इसका मतलब यह है कि जब आप ज्वाइंट वेंचर में हैं तो उसमें आप जो वित्तीय प्रतिवेदन यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो रिपोर्ट कौन कौन सी होंगी, उनके प्रारूप क्या होंगे, कैसे तैयार करेंगे, ये सारा लिखा होगा। यानी ज्वाइंट वेंचर में जब आप एक साथ आ रहे होंगे तो उसमें कैसे लिखा होगा, ये AS-77 डील करता है। ठीक, और बताइए। सर AS-25 और AS-10 बता दीजिए। AS-25 है अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन। अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन का मतलब होता है कि वैसे तो हम जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं वह साल भर के बाद तैयार करते हैं, लेकिन अगर मान लिया किसी कारण से हमें लगता है कि हम बीच में ही अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो हम जो साल के दौरान, मतलब साल के भीतर अगर कोई अपना वित्तीय प्रतिवेदन यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करेंगे तो वह अंतरिम कहलाएगा। ठीक है, तो अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन जो होगा वो कैसे तैयार होगा, ये AS-25 डील करता है। ठीक, और आपने कौन सा पूछा? 10? यस सर, 10। 10 जो है वो अचल संपत्ति के लिए लेखांकन की बात करता है। तो अचल संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें मेनली आती है बिल्डिंग मशीनरी वगैरह, लेकिन ध्यान रखना इसमें अचल संपत्ति में फिक्स्ड एसेट्स में गुडविल भी आती है। अचल संपत्ति जरूरी नहीं कि केवल मूर्त ही हो यानी टेंजिबल ही हो, इनटेंजिबल एसेट्स भी अचल हो सकती है। तो AS-10 और AS जो लास्ट में आपने पढ़ा था 26, ये दोनों, क्योंकि AS-26 अमूर्त संपत्ति की बात करता है और अमूर्त संपत्ति अपने आप में अचल संपत्ति है, तो कहीं ना कहीं AS-10 भी गुडविल की भी बात करेगा एज वेल एज फर्नीचर, कार, बिल्डिंग, इनकी भी बात करेगा, मशीनरी वगैरह की। ठीक है, तो इनके लिए लेखांकन में प्रमुख मुद्दा आता है डिप्रिसिएशन का, कि डिप्रिसिएशन वगैरह क्या लगेगी और इनका लेखांकन बुक वैल्यू पे होगा या मार्केट वैल्यू पे होगा, ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। क्योंकि डिप्रिसिएशन जो है वह AS-6 जो है डिस्कस करता है, तो कहीं ना कहीं AS-10, AS-6, AS-26 ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, AS-6 क्या करता है, डिप्रिसिएशन कैसे लगाई जाएगी अलग अलग सेक्शन पे, इसको बताता है। ओके, बात समझ में आई? यस सर। और बताइए। सर AS-17 बता दीजिए। AS-17 है अनुभाग प्रतिवेदन। अनुभाग का मतलब होता है विभाग एक तरह का, जैसे मान लिया आपके यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग विभाग जो है वो किस तरह से अपनी रिपोर्ट देंगे कि हमने क्या क्या गतिविधियां की, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट क्या रहा, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा, हमने कितना विक्रय किया, कितना मतलब जो कुछ भी उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है उसको प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग करना बोलते हैं। तो अलग अलग अनुभाग कैसे रिपोर्टिंग करेंगे यानी कि उनकी रिपोर्ट्स कैसी होनी चाहिए, ये AS-17 बताता है। ठीक है, अनुभाग का मतलब यहाँ पर विभाग से, और विभाग जनरली कार्यों के आधार पर तैयार कर लिए जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, क्रय डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सब कैसे अपना अपना प्रतिवेदन देंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, ये AS-17 बोलेगा। ओके, एनीथिंग एल्स? तो अब हम पूछने वाले हैं, फिर तैयार हो जाइए।
सबको सब कुछ आ गया इसमें AS 1 से AS 32 में। मेरा आपसे इस समय केवल इतनी अपेक्षा है कि कोई शब्द अगर उसका मीनिंग नहीं पता कि ये किस चिड़िया का नाम है AS 1 से AS 32 में, तो वो शब्द जरूर पूछ लीजिए। सर AS 20 बता दीजिए। AS 20 का मतलब होता है कि कंपनी जो कुल लाभ कमाती है साल के अंत में, उसे उनकी अंशों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। अंश समझते हो, कंपनी की जो पूंजी होती है वो कुछ टुकड़ों में बटी होती है, 10-10 रुपए के, 100-100 रुपए के, या किसी भी वैल्यू के वो हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी की जो पूंजी है वो 10 करोड़ है और वो 10 रुपए वाले अंशों में बटी है, तो उस कंपनी के की जो पूंजी होगी वो कितने अंशों में होगी? 1 करोड़ अंशों में 10 रुपए वाली बटी हुई है। और मान लेते हैं उस कंपनी ने जो लाभ कमाया वो कमाए 5 करोड़, ठीक। तो अगर हम जानना चाहें कि प्रति अंश उपार्जन यानी कि प्रति अंश आय कितनी हुई, तो हमने जो लाभ कमाया वो कितना है? 5 करोड़, ठीक। और हमने हमारे पास अंश कितने हैं? 1 करोड़। तो अगर हम 5 करोड़ यानी कि प्रॉफिट को अंशों की संख्या यानी कि 1 करोड़ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो प्रति अंश आय यानी कि अर्निंग पर शेयर आएगा वो आ जाएगा 5 करोड़ बटे 1 करोड़ यानी कि 5 रुपए प्रति अंश। ये सर नो फिर से बताएं? Yes, अब फिर से नहीं बताएंगे, ये रिकॉर्डिंग फिर से सुन लीजिएगा, समझ जाएंगे, ठीक है? ओके सर, देता हूं तो मुझे बता दीजिए। कौन सा बोलिए फिर से? सर 29 है प्रावधान आकस्मिकता, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां। देखिए प्रावधान यानी कि प्रोविजन, आपको विभिन्न प्रकार के प्रोविजन बनाने होते हैं भविष्य में होने वाली कुछ निश्चित हानियों के लिए। भविष्य में कुछ हानियां निश्चित हैं, बस उनकी अमाउंट तय नहीं होती है। जैसे जब हम उधार माल बेचते हैं तो कुछ माल, कुछ उधारी ऐसी है जो डूब ही जाती है, ठीक। तो ये तो तय है कि डेटर्स में से कुछ लोग पेमेंट नहीं करने वाले हैं, लेकिन कितने नहीं करेंगे ये नहीं पता। यानी कि हानियां तय हैं, लेकिन हानि की ठीक ठीक अमाउंट तय नहीं होती। उनके लिए हम लाभों में से कुछ हिस्सा निकाल के पहले से ही रख लेते हैं, उसको प्रावधान कहा जाता है, अंग्रेजी में प्रोविजन बोलते हैं, ठीक। भविष्य में अगर कोई मान लिया एक्सीडेंट हो जाए तो हमें लोगों को कंपनसेट करना पड़ता है, तो इन्हें आकस्मिक देयता बोला जाता है। आकस्मिक मतलब अचानक से कोई आपका देयता यानी कि कोई आपकी लायबिलिटी अगर जनरेट हो जाए, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो आपसे क्लेम मांग रहा है, मान लिया आपको उसे 1 लाख रुपए देने, तो अचानक से वो जो 1 लाख का दायित्व तो आपके सामने आ गया है, इसको क्या बोला जाएगा? आकस्मिक देयता यानी कि कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए आपको प्रावधान पहले से बना के रखना होता है। ये भी एक ऐसी लायबिलिटी जो होती ही रहती है जनरली, लेकिन ये कितनी होगी नहीं पता हमें, तो इसके लिए भी हमें प्रोविजन बनाना होता है। आकस्मिक संपत्तियां का मतलब होता है कि अगर आपको अभी तक कुछ पता नहीं था और अचानक से कहीं से पता लगा कि आपकी ये भी संपत्ति है, मान लिया आप के जो है अचानक से कोई वसीयत निकल के आ गई जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है कि आपको जो है 5 करोड़ रुपए मिल गए हैं, 5 करोड़ की संपत्ति मिल गई है, तो आप खुश हो जाएंगे, इसी को आकस्मिक संपत्ति कहा जाएगा, ठीक है। तो इनका कैसे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, अकाउंटेंट इनके बारे में कैसे अकाउंटिंग बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बताएगा, ठीक। यस सर। और बताइए किसी को कुछ पूछना है? सर AS 18 नंबर बता दीजिए। इससे बोलिए तेज बोलिए। AS 18 सर। AS 18 यस सर। AS 18 18 संबंधित पक्षकार की बात करता है। संबंधित पक्षकार का मतलब होता है जो रिलेटेड पार्टीज है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टीज होती हैं। जैसे जब आप विक्रय कर रहे होते हैं तो डेटर आपकी पार्टी है, जब आप क्रय कर रहे होते हैं तो आपका जो विक्रेता है जिससे आप क्रय कर रहे हैं वो आपकी पार्टी हो जाएगा, वो लेनदार, ठीक है। जब आप अपने किसी सब्सिडरी से डील कर रहे होंगे तो वो कंपनी आपकी जो सहायक कंपनी है वह पार्टी हो जाएगी। जब आप इनकम टैक्स ऑफिशियल से डील कर रहे होंगे तो वह पार्टी हो जाएगी, ठीक है। आप पब्लिक से डील कर रहे होंगे, सरकार से डील कर रहे होंगे, तो वो सब पार्टी है। अलग अलग पार्टी जो होगी, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, दे ऑल आर पार्टीज, ठीक है। इन पार्टीज से कैसे डील किया जाएगा और अकाउंटिंग बुक्स में
उनसे रिलेटेड क्या क्या सूचनाएं दर्ज करनी होगी ये AS 17 बताएगा। ओके सर, AS 13 बता दीजिए। AS 13 जो है वह है विनियोग के लिए लेखांकन, विनियोग का पहले माइक ऑफ कर लीजिए दिव्या। विनियोग से तात्पर्य होता है कि जब आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या उसके बॉन्ड खरीदते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा वित्तीय कह लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब आएगा प्रतिभूति, ठीक है, एक ऐसी वित्तीय प्रतिभूति यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको अगर आप खरीदते हैं तो उसमें रिस्क बहुत कम होता है। सरकार समय समय पे बॉन्ड जारी करती है, जैसे इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इस तरह के नाम से ये आते हैं और कोई भी इन्हें खरीद सकता है। प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं यह भी बॉन्ड जारी कर सकती हैं, प्राइवेट नहीं आई मीन पब्लिक कंपनियां, यानी कि जो कंपनीज हैं बड़ी कंपनियां, पब्लिक कंपनियां, वह भी जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वह भी बॉन्ड जारी कर सकती हैं। अब मान लिया किसी कंपनी के आप एक बिजनेस पर्सन है लेकिन आपके पास कुछ स्पेयर कुछ फाइनेंस है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंस है अभी, जिसे आप अपने बिजनेस में किसी कारण से नहीं लगाना चाहते, तो आप उसे किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदने में या बॉन्ड खरीदने में, चाहे तो FD करने में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप बैंक में भी जमा कर सकते हैं FD में, LIC की कोई पॉलिसी ले सकते हैं कुछ समय के लिए, या किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी का म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और इन्वेस्टमेंट आप जब करेंगे कहीं पे तो उसका लेखा आप कैसे करेंगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा, कौन कौन से खाते वगैरह तैयार किए जाएंगे, ये AS 13 में पूरा डिटेल दी गई। ठीक है, क्लियर। ये एक चैप्टर रहेगा जो आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ में, शायद CBSE में शायद है, अगर इसे अगर सिलेबस कट नहीं किया गया तो आप पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। पिछले साल कट करा दिया गया था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। यस, बीकॉम में पढ़ेंगे आगे, अगर आप बीकॉम वगैरह करेंगे तो उसमें बिल्कुल पढ़ना होगा, CA करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हमारा पूरा हो रहा है आज की मीटिंग का, और मुझे उम्मीद है कि आज आप सभी लोग, जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हैं और जो ये लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वह सारे बच्चे अपने घर पे आज एक चार्ट पेपर लेंगे और अच्छी सी राइटिंग में सारे AS 1 से लेके AS 32 और उनका जो एक्सप्लेनेशन है, उनका जो ईयर है, यह भी लिखेंगे। ठीक है, मेन फोकस करिए कि AS कौन सा AS क्या बताता है, ईयर भी अगर आप याद रख सकें सुपर सो गुड, चार्ट में जरूर लिखेंगे ईयर भी। ठीक है, और आज इसे आप तैयार करेंगे और आप सभी लोग चार्ट जहां आपने लगाया है अपने घर के जिस दीवार पे, उसका फोटो लेकर के मुझे भेजेंगे। ठीक है, और आज जो पढ़ाया गया है, अगर आपने इसके नोट्स अभी तक अपनी कॉपी पे नहीं बनाया है तो उन्हें भी तैयार कर ले, यहाँ तक के कॉपी पे नोट्स तो शायद बना लिए होंगे सभी,